अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना, शबाना किचन में हदीस में आकर इस्तकबाल दुआ करती हूँ। आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको खुशियों से नवाजे, हर बीमारी हर परेशानी हादसे से महफूज रखे। तो मैं आज आपको रात के सोते वक्त की कुछ अलामतें बताने वाली हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अली से कहा कि इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से इरशाद फरमाया कि ऐ अली, रात को रोज़ाना सोने से पहले 5 काम कर लिया करो। तो हज़रत अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह वो कौन से काम है? तो नंबर 1, 4000 दीनार सदका देकर सोया करो। उन्होंने कहा 4000 दीनार सदका देकर सोया करो। 1, कुरान शरीफ पढ़ के सोया करो। 2, लड़ने वालों में सुलह करके सोया करो। और 1, हज करके सोया करो। ऐसे और जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। ये 5 अलामतें हैं। हज़रत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मुझसे नहीं बन पाएगा। तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के सोया करो। 4000 दीनार के बराबर है। मतलब मैंने आपको बताया कि 4000 दीनार सदका दे के दिया कर, तो ये 4000 दीनार के बराबर है। 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने का सवाब 4000 दीनार के बराबर। मरतबा वाला शरीफ पढ़ के सोया करो, इसका 1 कुरान शरीफ का सवाब। 10 मरतबा इस्तगफार पढ़ के सोया करो, इसका सवाब 2 लड़ने वालों में सुलह करने के बराबर। और तीसरा कलमा पढ़ के सोया करो, 1 हज का सवाब। कितनी बड़ी बात है, छोटी छोटी सी बात हमने जरूर करना चाहिए। तो फिर हज़रत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये तो मैं रोज़मर्रा का ये काम किया करूँगा, हम भी कर सकते हैं। हमने भी रोज़ उठने सोने से पहले ये सारे 5 काम कर सकते हैं। दीनार वगैरह तो हम दे नहीं सकते, हज़रत अली नहीं दे सकते, तो हमारी कहाँ से? तो ये सब जो 5 काम है ना, तो रसूल अल्लाह ने उनके पे अपने पे फ़र्ज़ किया है, उन पर किया था तो अपने पे किया। तो ये 5 अलामतें आप यहाँ ज़रूर पढ़ के सोए, और आपको नहीं पता होगा तो आप ये है ना, ये सब कुछ आप ज़रूर इसको मतलब इसको खोल के देखा करें, इसमें क्या क्या है।